भाई चैनल तो है राइडर सोल, लेकिन आज की वीडियो कुछ टैग के बारे में होने वाली है। सो मेरा नाम है सुभांशु, मैं रहता हूँ दिल्ली में और मेरे चैनल का नाम है राइडर सोल, जैसे आप लोग फॉलो करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। थंबनेल और टाइटल देख के तो भाई आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। सो बता दूँ आपको, मैंने तो एक तो लिए हैं ये वायरलेस स्टीरियो स्पोर्ट्स हैंडसेट आर नेक्स्ट करके कुछ है। भाई क्वालिटी मेरे को अभी तक नहीं पता कैसी है, क्या कंपनी है, इसके बारे में नहीं बोलूँगा। लेकिन आजकल की सबसे फेवरेट कंपनी लोगों की वीवो, सो मैंने लिया है वीवो V15 Pro। अब बता दूं यार आप लोगों को सीधा कि फ़ोन को तो मैं पिछले 5 से 6 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। ये है 6 GB रैम और 128 GB रोम वाला मॉडल, और इसका मुझे प्राइस तो पता नहीं 32,999 पे लिखा हुआ है। ये मेरे भैया ने मंगाया एक्चुअली, तो मुझे प्राइस पता नहीं है फ्लिपकार्ट से। अभी इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं इसके। पहले तो फीचर्स की बात ही कर लेते हैं भाई। इसके प्रोसेसर की, प्रोसेसर है इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 675 विथ AI, जो मेरे वन प्लस 5 में नहीं है, प्रीवियस फ़ोन में। उसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, बिग थम्स अप भाई, अब तो आगे से फिंगरप्रिंट लगेगा वो भी डिस्प्ले में। उसके अलावा अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले, जो मेरे वन प्लस 5 में नहीं थी लेकिन वीवो V15 में है। उसके बाद AI ट्रिपल रियर कैमरा, पीछे 3 कैमरे हैं, मेरे वन प्लस 5 में 2 थे। और उसके बाद 32 MP पॉपअप सेल्फी कैमरा, मतलब मेन फीचर है इस फ़ोन का पॉपअप सेल्फी कैमरा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, ठीक है। सो भाई आ गए हैं वापस और बारी है अनबॉक्सिंग की। अब पहले इसकी करा जाए तो इसके लिए अक्कड़ बक्कड़ करते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। सो पहले करते हैं वीवो V15 की, ठीक है। निकला डब्बा, खुल गया सिम। ये तो पूरा फैल गया भाई रायता, ठीक है कोई नहीं। तो डब्बा है खाली, दोनों पीछे से खाली है। उस चार्जर है मेरे घर पे, पहले बता दूँ आप लोगों को। उसके बाद इसमें निकलती है एक मैनुअल जो कोई पढ़ता नहीं है, और उसके अलावा एक निकलती है ये पिन, ये तो सिम कार्ड और निकालने के लिए सिम कार्ड टूल है ये। उसके बाद बात करते हैं भाई, सबसे पहले तो एक फ़ोन आता है, फ़ोन को रखते हैं साइड, देखते हैं इस केस में क्या आता है। इसके इस बॉक्स के अंदर आता है एक अच्छा सा केस। सो भाई क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, अच्छी है। उसके अलावा एक आता है ईयरफोन, जो मैंने अभी तक यूज़ किए नहीं है, पुराने वाले यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको भी रखते हैं साइड। और अभी करते हैं फ़ोन को निकालते हैं इस रैप से बाहर। सो कैसे ऐसे, तो भाई सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ फ़ोन का कलर कैसा लग रहा है। नीचे से है ये मैरून टाइप रेड और मैरून है, ऊपर से ब्लैक और पर्पल मिक्स है। सो 3 कलर शो करते हैं इसमें अगर आप अलग अलग एंगल से देखोगे। पीछे आपको देखेंगे इसमें 3 कैमरे विद फ्लैश, AI ट्रिपल कैमरा है। और उसके बाद भाई सबसे पहले करते हैं इसको रिबूट, जो मैंने ऑफ किया था आप लोगों को दिखाने के लिए। भाई दोबारा ऑन कर रहा हूँ फ़ोन को। पावर्ड बाय एंड्रॉइड वीवो, जल्दी खुल जा भाई, इतना वेट नहीं होता है। इस मामले मेरा वन प्लस तेज था। तो हाँ जी, खुल चुका है फोन, देख सकते हो ऐसा कुछ ओवरव्यू है इस फोन का। सबसे पहले मेन चीज करते हैं इसका कैमरा ऑन। भाई साहब ये देखो, बैक कैमरा की क्वालिटी देखो एक बार, अगर दिख रही है तो बैक कैमरा की क्वालिटी देखो, क्या लाजवाब क्वालिटी है इस चीज़ की। अभी करते हैं फ्रंट कैमरा पॉपअप। सो फ्रंट कैमरा तो देखो यार, देखो तो सही फ्रंट कैमरा। ये अपना GoPro दिख रहा है साइड में, हर शूट कर रहा है। तो RBH Vlogs चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और क्वालिटी देखो इस कैमरे की, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बैक भाई, और फ़ोन में भाई अच्छे खासे फीचर्स हैं। अब जाते हैं इसके सेटिंग्स में। एक्चुअली क्या, मैंने फ़ोन इतना अभी तक यूज़ नहीं किया तो फुल्ली पता नहीं है, लेकिन वही यार हर फ़ोन की तरह ऊपर एयरप्लेन मोड सारी चीज़ें हैं, OTG कनेक्टेड होती है इसमें। नीचे आते हैं भाई मोड सेटिंग। उसके अलावा अबाउट फ़ोन, तो अबाउट फ़ोन की बात करें तो भाई मॉडल वीवो V1818 है, AMI नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। उसके बाद प्रोसेसर है इसमें 2.0 GHz स्नैपड्रैगन 675 ऑक्टा कोर। बैक आ जाते हैं, सारी चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी। तो अभी ये जो चीज़ें चल रही हैं GoPro से, अभी आपको दिखाते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी, ठीक है। स्विच करते हैं इसके कैमरे पे। सो भाई देख सकते हो ये अभी है क्वालिटी अपने GoPro Hero 7 ब्लैक से। और अब स्विच करते हैं Vivo V15 32 MP पॉपअप सेल्फी कैमरा। सो ये हमने निकाल लिया इधर पॉपअप सेल्फी कैमरा। सो GoPro से अब हम स्विच कर चुके हैं Vivo V15
कैमरा पे 32 मेगापिक्सल पॉपअप सेल्फी कैमरा है। भाई आप लोग बताओ कैमरा क्वालिटी कैसी है, क्या मुझे फ़िलहाल DSLR लेने की ज़रूरत है या इसी से काम चल जाएगा, ये चीज़ आप बताओ कमेंट सेक्शन में। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीवो V15 की तरफ से अभी एक और बॉक्स है मेरे पास, उसी करते हैं अनबॉक्सिंग और उसका छोटा सा रिव्यू देता हूँ आप लोगों को कि कैसी है वो चीज़। फिलहाल स्टेबलाइजेशन एक बार चेक कर लेते हैं भाई भाग के कैसा आ रहा है। सो ये चीज़ आप ही लोग बता सकते हो कि स्टेबलाइजेशन कैसी है। और फिलहाल बता दूँ मैं आपको, मैं हूँ जंतर मंतर दिल्ली में, ठीक है। अभी आते हैं उस हैंडसेट की। तो भाई वीवो V15 का आपने कैमरा देखा, कमेंट में बता दो कि कैसा है। और इसी नोट के साथ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी इसी वीडियो में दूसरी अनबॉक्सिंग है, क्योंकि अलग अलग वीडियो नहीं बनाना चाहते भाई, ठीक है। कंटेंट 3 दिन में एक आ रहा है, चलेगा। आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर, और इसके ऊपर ना एक अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन में जाके देख लेना, लास्ट वीडियो थी मेरे चैनल की। सो इसके बाद करते हैं इस डब्बे को बाहर। ऐसे डब्बे ना बाहर आते नहीं, वो मुझे पता है वो नहीं आया, आ गया। सो कुछ नहीं है, खोखला डब्बा। उसके अलावा इसमें से निकलते हैं, एक सबसे पहले निकलता है एक चार्जर, ये स्मॉल USB टाइप, ठीक है जी। उसके बाद है अपना ब्लूटूथ, ठीक है। ये ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ को अभी कनेक्ट करते हैं हम लोग फ़ोन से, और उसके बाद आपको बताता हूँ उसकी क्वालिटी कैसी है कैमरे के फ्रंट में आके, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। सो बैक टू GoPro। भाई मुझे नहीं पता मैं कितनी तेज़ बोल रहा हूँ, कितना धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि एयरफोन में गाने चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दूँ क्वालिटी इज़ प्रीटी गुड, मतलब वीवो V15 के साथ मेरे को फ्री मिला, सीधा बताऊँ। लेकिन फ्री वाले माल की भी ना क्वालिटी बहुत अच्छी है। और आज एक चीज़ बताना भूल गया कि आज की कहानी के पात्र कितने थे। देखो एक तो वीवो V15 हो गया, एक ये हो गया, लेकिन इसके अलावा ना एक मिनट जो बताता हूँ कितने आज की वीडियो के ना, ये चार पात्र और थे जो चार लौंडे यहाँ पे चल रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग ना नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस किसी को नहीं करवाऊंगा, ऐसे फेस वाइज जानते हो जान लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी भाई, इसी नोट पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बता देना टैग वीडियो कैसी लगी। भाई जी अगर अभी तक घंटी नहीं दबाई है ना भाई की चैनल की, तो दबा दो घंटी, दबाने बड़ा मजा आता है, ठीक है। और अब बहुत सारे ट्रिप्स आने वाले हैं, बहुत सारे। अब देखो आप बोलोगे यार तेरा चैनल है राइडिंग के रिलेटेड, लेकिन तू वीडियो बना रहा है इस पे टैग की, सीधा बताऊं सामान लिया है तो क्या वीडियो नहीं, सामान लिया है, पैसा फूका है तो थोड़ा बहुत तो वसूल करना बनता है यार। और बस यहीं के इसी नोट पे इस वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, अपना प्यार बनाए रखना, और always take care of yourself and your family, always wear a good protective gear by daddy and fasten your seat belts by daddy too. Bye guys, bye, love you all.